सॉरी मां, उठे बैठे मार मार, दो मार मार, तीन चार पांच, पैर में लग रहा था तो टंकी मुझे तेरे पैर में लगी है, अब तेरे पैर में लग रही है, तब तू वहां नखरे कर रहा मेरे पैर में लग रही है चोट। Yo, 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 what's up people, it's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. So, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाने वाला हूं जो कि किया गया है थारा भाई जोगिंदर की तरफ से। आपने जोगिंदर को छोटी और गिरी हुई हरकतें ही करते हुए देखा होगा, कभी कभी किसी गरीब को तंग करना, कभी दीपक कलाल को बॉलीवुड का स्टार बताना, बहुत बड़ा स्टार बता रहा है अपनी वीडियो में दीपक कलाल को, और कभी ये बोलता है मैं बवंडर ला दूंगा, यूट्यूब को शमशान बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कुत्तों की तरह भौंते हुए आपने जोगिंदर को बहुत देखा होगा। लेकिन आज जोगिंदर ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। एक पानी की टंकी पड़ी हुई थी, उसमें एक बच्चा फंस गया, उसको साफ करते टाइम और जोगिंदर ने उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। और आप सभी को मैं बता दूं कि वो टंकी जो थी नीचे जमीन पे लिटाई गई थी, उसके अंदर बच्चा गया, फिर उसको पता नहीं चला कि वहां से बाहर का उसको रास्ता नहीं शायद पता चला कि बाहर का रास्ता किधर है। तो फिर जोगिंदर आता है वहां से अपना कैमरामैन लेके, अपना सस्ता मोबाइल लेके आता है, उस पर लाइव वीडियो चलाता है और पूरी दुनिया को दिखाता है कि जोगिंदर ने एक बच्चे की जान बचाई है जो पानी की टंकी में फंसा हुआ था। तो सबसे पहले आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। और किसने फंसाया इसको अंदर? प्लम्बर का है रे। प्लम्बर भाग गया। ओए प्लम्बर का है तू? कौन कहता है ये बच्चा इसके अंदर फंसा दे? ओए कैसे फंसा तू इसके अंदर? आराम से रो मत, रो मत, रो मत, आराम से, आराम से, आराम से खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, बाहर निकलेगा टूटेगा, रुक जा, टंकी टूट जाएगी, एक मिनट रुक जा, टंकी टूट जाएगी, एक मिनट रुक, रो मत, खड़ा हो सीधा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, एक बच्चा एक पानी की टंकी में फंसा हुआ है, उसको पता तो चल रहा है कि कहां से बाहर का रास्ता है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि जोगिंदर भाई को वीडियो बनानी है, पूरी दुनिया को वीडियो बना के बेवकूफ बनाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि जोगिंदर कितना अच्छा इंसान है। क्योंकि वो उसने अभी उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जो मैंने आपको दिखाई है, गरीब बंदे को सड़क पे रोक के उसने बहुत परेशान किया। अब जोगिंदर अपनी इमेज को सुधारना चाहता है, उसके ऊपर जो ये इल्जाम लगाए गए हैं कि वो लोगों को परेशान करता है, तो उस इमेज को सुधारने के लिए जोगिंदर ने प्रॉपर प्लान सेट किया, प्लानिंग की उसकी, एक जमीन पे एक टैंकी रखी, उसके अंदर एक लड़के को घुसा दिया, फिर उसे बोला कि तू अब बाहर मत आना, मैं तुझे बाहर खींचूंगा। तो जोगिंदर ने इसकी प्रॉपर वीडियो भी बनाई है। आपको पता, आप देखो ये कितना अच्छा बंदा है, जब कोई बंदा प्रॉब्लम में फंसा होता है तो ये उसे बोलता है कि भाई दो मिनट रुक, तू पहले मुझे वीडियो बनानी शुरू करने दे, फिर हम तुझे बचाते हैं। तो उसने उस लड़के को बचाने की कोशिश की और उसने क्या क्या किया जल्दी से आपको दिखाता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि जोगिंदर ने कैसे कैसे कोशिश की उस बच्चे को बाहर निकालने की। रस्सी बस्सी लगा, पाइप पाइप लगा, पाइप लगा, पाइप लगा, मेरी बात सुन, दांत और टूटेगा, रो मत, टंकी वंकी टूट जाएगी, आराम से खड़ा हो, मेरी बात सुनो, आराम से बेटा, आराम से, रो मत, रो मत, आराम से ले, फंसा दिया हूं, ए रस्सी खोले, बार रस्सी खोल फटाफट, आराम से, रो मत, रो मत, रुक जा, ए मिनट रुक, आराम से बैठ, रुक रुक, तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जोगिंदर ने कभी उसको डंडे से बाहर निकालने की कोशिश की, डंडा तो नहीं था, पाइप थी, पाइप से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का बोल रहा था कि पाइप मेरे हाथ से छूट रही है बार बार, फिर वो रस्सी लेके आए, इतनी लंबी रस्सी उन्होंने अंदर फेंकी, फिर लड़के को बाहर निकालने की कोशिश की, लड़के के हाथों में शायद जान नहीं थी, बहुत कमजोर होगा, कुछ ऐसे काम करता होगा जिससे उसके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो उसको वो रस्सी भी पकड़ के बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर जोगिंदर ने फिर से कहा डंडा लेके आओ, डंडा लेके आए, उसको निकाला, और जोगिंदर को बेचारे लड़के की जान की परवाह नहीं थी, जोगिंदर को था कहीं टैंकी ना टूट जाए, अगर टैंकी टूट जाती पानी वाली तो उसकी मम्मी फिर उसको चप्पलों से मारती जोगिंदर को, इसलिए जोगिंदर बार बार बोल रहा था कि पानी की टैंकी ना टूट जाए। उस लड़के को बेचारे को उसने बाहर भी निकाला और प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। तो अभी आपको दिखा देता हूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पूरा हुआ है, फिर हम लास्ट इसके बारे में बात करेंगे कि लड़के को बाहर निकाल के जोगिंदर ने क्या किया उसके साथ। मेरी बात सुन, दांत और टूटेगा, रो मत, टंकी वंकी टूट जाएगी, आराम से खड़ा हो, मेरी बात सुन, आराम से बेटा, आराम से, रो मत, रो मत, प्लम्बर ने घुसा था, एक इधर आराम से,
तो फाइनली थारा भाई जोगिंदर ने रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया है, उस लड़के की जान बचा ली गई है, उस लड़के को सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया गया है और टैंकी की जान भी बच गई है। टैंकी की जान बची तो जोगिंदर की जान भी बच गई है, क्योंकि उसको उसकी मम्मी चप्पलों से मारने वाली थी। तो ऑलमोस्ट सभी की जान बच गई है इस वीडियो में। तो जोगिंदर ने जब उस बंदे को बाहर निकाला, बाहर ले जाके उसे बोला कि तू पानी की टंकी में क्यों घुसा, वो पहले ही बोल चुका था कि तुम लोगों ने बोला था कि टंकी को साफ करना है, मैं टंकी को साफ करके बाहर निकलने वाला था। फिर जोगिंदर ने बोला नहीं, मुझे वीडियो भी बनानी है इस चीज की, क्योंकि टंकी के पैसे भी तो निकालने हैं ना, उस बंदे को 150 रुपए देने भी तो थे टंकी साफ करने के। तो जोगिंदर ने फिर आइडिया लगाया कि मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता हूँ। और मुझे अभी तक ये चीज समझ क्यों नहीं आ रही कि एबीपी न्यूज वाले कहाँ है इस समय, हमारे देश का मीडिया है कहाँ है इस समय, क्यों इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया गया अभी तक कि जोगिंदर ने पानी की टंकी में से एक लड़के की जान बचाई। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, पता नहीं क्यों लोगों ने इसको न्यूज नहीं बचाई। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, जोगिंदर जब उसको बाहर निकाला और फिर उसके साथ क्या किया। सॉरी मां, उठे बैठे मार मार, दो मार मार, तीन चार पांच, पैर में लग रहा था तो टंकी में जाता, तेरे पैर में लगी है, अब तेरे पैर में लग रही है, तब तू वहां नखरे कर रहा है, मेरे पैर में लग रही है चोट। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जोगिंदर ने उस लड़के को पहले बाहर निकाला बहुत मुश्किल से, और बाहर निकालने के बाद उसके थप्पड़ भी मार रहा है और उससे बैठ के निकलवा रहा है। तो जोगिंदर यार, ये क्या स्टोरी बनी है और तूने क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आया कि तू क्या करना चाहता था, लोगों को क्या बताना चाहता था। पहले तो उसकी जान बचा रहा था उसे बाहर निकालने के लिए, फिर तुझे टैंकी की पड़ी रही कहीं टैंकी खराब ना हो जाए, टैंकी टूट ना जाए, फिर जब वो बेचारा बाहर आ गया, बाहर निकाल के फिर तू उससे बैठ के निकलवा रहा है कि तो टैंकी में क्यों गया, भेजा तो तूने ही था, इसमें कहां से कोई पॉइंट यार बन रहा है। तो क्या वीडियो बनाता है यार सोशल मीडिया के ऊपर, कभी गरीब बंदों को तंग करता है, कभी ये ऐसी हरकतें करता है, कभी पता नहीं यूट्यूब पे बवंडर ला दूंगा, ये कर दूंगा, तू कब ऐसी हरकतों को बंद करेगा। अभी तू बोल रहा था कि तेरा डिस ट्रैक आने वाला है यूट्यूब के ऊपर 15 तारीख को, और 15 तारीख तो कब की निकल चुकी है, अभी तक तेरा कोई भी गाना नहीं आया। तो थारा भाई बंदर और सॉरी थारा भाई जोगिंदर, कब आएगा तेरा डिस ट्रैक, और जब भी तेरा डिस ट्रैक आएगा मैं तुझे एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं, जब भी तेरा डिस ट्रैक आएगा ना उसके अगले टाइम ही तू के लगा ले, उसके एक दो घंटे में ही मेरा डिस ट्रैक आएगा जो कि होगा तेरे ऊपर। अगर तू हमारे ऊपर गाना बनाएगा YouTube कम्युनिटी के ऊपर, तू तैयार रह बेटे, तेरे ऊपर भी गाना फिर आने वाला है, ठीक है, याद रखना मेरी इस बात को। और वेट रहेगी तेरे दो कोड़ी के सॉन्ग की, तेरे वो सस्ते बवंडर की, मुझे लगता कि शायद 15 तारीख को मौसम साफ था इसी वजह से तेरा बवंडर आ नहीं पाया, और देखते हैं अब आगे मौसम कब खराब होता है, बवंडर बनने का प्लानिंग कब तैयार होती है। तो वेट रहेगी तेरे गाने की, और तू भी वेट करना फिर उसका रिप्लाई लेने की।